हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बूस्टर सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्वांटम संख्याएं एक ऐसी संख्याएँ होती हैं जिसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु में ऊर्जा, स्थिति और चक्रण की दिशा का पूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है। तो जैसे कि आधुनिक परमाणु मॉडल में हमने पीछे वीडियोस में क्या पढ़ा था कि जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर के जो कोश होते हैं वो छोटे छोटे उपकोशों से बने होते हैं और जो उपकोश होते हैं वो भी कक्षक से बने होते हैं। तो अगर परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो किस कोश में होगा, किस उपकोश में होगा और कौन से कक्षक में होगा, तो वो जिन संख्याओं द्वारा पता चलता है तो वही इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएँ। तो कहने का मतलब है क्वांटम संख्याएँ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। तो इसको आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस भी कह सकते हैं। तो जैसे आदमी का एड्रेस होता है, तो अगर आदमी का एड्रेस हो तो उसकी सहायता से आप किसी भी व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि वो आदमी मोहल्ले में कहाँ रह रहा है। इसी प्रकार से जो क्वांटम संख्याएँ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का पता होती हैं, एड्रेस होती हैं। तो यहाँ पर हम चार क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम पूर्ण रूप से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये चार क्वांटम संख्याएं क्या क्या होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहले हम लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम एन से दिखाते हैं, इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो छोटा एन है। तो स्मॉल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन के मुख्यतः कोश के बारे में बताती है, इसके अलावा कक्षा और ऊर्जा के आकार की भी जानकारी देती है। तो किसी कोश के लिए एन के जो संभावित मान होते हैं वो कोश की क्रम संख्या के बराबर होते हैं, यानी एक दो तीन चार होते हैं। तो जैसे कोश को हम किससे डिनोट करते हैं, के एल एम एन, तो जो नाभिक के सबसे नज़दीक का कोश होता है वो के कोश होता है, पहला कोश। तो इसके लिए एन का मान कितना होता है, एक। ऐसे ये दूसरा कोश है तो इसके लिए एन का मान होता है दो। ऐसे एम तीसरा कोश है, इसके लिए तीन, एन के लिए चार। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये कोशों की संख्या को दिखाती है। तो जैसे मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन बराबर तीन है, तो अगर एन बराबर तीन है उसका मतलब वो किस कोश में पाया जाएगा, इससे हम देख सकते हैं कि वो एम कोश में होगा। दो होगा तो एल में होगा, चार होगा तो एन में होगा। तो एन की सहायता से आप किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोश की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरी क्वांटम संख्या लेते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसको हम L से दिखाते हैं। तो जैसे मुख्य क्वांटम संख्या कोश को दिखाती है, तो जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के उपकोश को दिखाती है। तो इससे मेनली उपकोश के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कौन से उपकोश में होगा। अब इसके लिए आपने कुछ रूल याद करने हैं कि जो L का मान होता है वो N के मान पर निर्भर करता है। तो किसी N के लिए L के मानों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, जीरो से N माइनस वन। तो ये इसका एक रूल है जो आपने अच्छे ढंग से याद करना है। तो इसकी सहायता से आप किसी भी n के लिए l के मान लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम मान लिखेंगे तो किसी कोश में जो उपकोशों की संख्या होती है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि किसी कोश, कोश का मतलब हुआ n, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी n के लिए जो l के मानों की संख्या होती है, उपकोश माने l, तो वो किसके बराबर होती है, n के ही बराबर होती है। तो इसको जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने आपको n दे दिया तीन, हमने n दे दी आपको तीन, और पेपर में इस तरह से आ गया कि n बराबर तीन के लिए, n बराबर तीन दिया है इसके लिए l के मान बताइए। अब रूल क्या होता है कि किसी n के लिए l के कितने मान होते हैं, जीरो से n माइनस वन। तो अगर हम इसके लिए l के मान लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, जीरो से n माइनस वन, यानी n कितना दिया है तीन, तो तीन में से एक गया दो, तो जीरो से दो तक आएगा। अब जीरो से दो का क्या मतलब है कि जीरो और दो के बीच में जो जो नंबर आ रहे हैं वो भी लिखने हैं आपने। तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, एक जीरो मिल जाएगा, एक वन मिल जाएगा और एक टू मिल जाएगा। अब इसमें अगर आप इन मानों को गिनेंगे तो यहाँ कितने मान मिल रहे हैं, एक दो तीन, तो एन कितना दिया था तीन। तो यही हमने रूल लिखा है, सेकेंड रूल, कि किसी एन के लिए एल के मानों की जो संख्या होती है वो एन के ही बराबर होती है। यानी अगर एन तीन है तो एल के तीन मान मिलेंगे, एन चार है तो एल के चार मान मिलेंगे, एन अगर दस होगा तो एल के दस मान मिलेंगे। तो जितना एन होता है उतना ही
एल के मानों की संख्या भी होती है। इसको जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एन बराबर अगर 4 दे दिया आपको, तो एन अगर 4 होगा तो एल के इससे क्या क्या मान मिलेंगे, एक तो 0 मिल जाएगा, एक 1 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा। रूल क्या लगाया हमने, 0 से एन माइनस 1, तो एन कितना दिया है 4, तो 4 में से 1 गया 3, तो क्या क्या मान मिलेगा, 0, 1, 2, 3। अब इसमें अगर गिनेंगे तो कितने मान मिले, 1, 2, 3, 4, तो जितने एन होते हैं उतने ही एल के मान भी मिलते हैं। अगर एन 3 होगा एल के 3 मान मिलेंगे, 4 होगा तो एल के 4 मान मिल जाएंगे। तो उपकोशों को जनरली SPDF से दिखाते हैं, ये काल्पनिक वाले हमारे, आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं। हम केवल ये 3-4 उपकोशों पर फोकस करेंगे कि उपकोश SPDF इन अक्षरों से दिखाते हैं। तो इनके लिए जो एल के मान होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से, तो वो क्रमशः 0, 1, 2, 3 होते हैं। तो ये आपने रूल याद रखना है जो आगे भी बहुत सी जगह काम आता है कि SPDF के लिए एल के मान कितने होते हैं, क्रमशः 0, 1, 2 और 3 होते हैं। तो ये रूल कहाँ से बना, जो अभी हमने एग्जांपल दिया था कि एन बराबर अगर 4 होता है तो उसके लिए एल के क्या क्या मान मिल गए थे, 0 से एन माइनस 1 यानी 0, 1, 2 और 3। हम जानते हैं कि उपकोशों को किससे दिखाते हैं, S, P, D और F। तो ये रूल बन गया कि S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो इस वैल्यू को आपने रटना है। तो ये हमारी दो क्वांटम संख्या होगी, एक तो N जिसके संभावित मान होते हैं 1, 2, 3, 4 और दूसरा L। तो किसी N के लिए L के मान कितने होते हैं, 0 से N-1। अब आते हैं तीसरी क्वांटम संख्या जो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है या चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या भी कहलाती है। तो इसको ML या खाली M से दिखाते हैं, इसको M फॉर मैग्नेटिक आ जाता है, मैग्नेटिक माने चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये किसके बारे में जानकारी देती है, ये कक्षकों की जानकारी देती है। N से क्या पता चल जाता है, कोश। L से क्या पता चल जाता है, उपकोश। और जो बचा हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या M, ये किसके बारे में जानकारी देती है, कक्षक धन L तक। और इसमें 0 को भी आपने शामिल करना है, शून्य सहित। तो शून्य सहित माइनस एल से प्लस एल तक होती है। और इसमें अगर मानों की संख्या हम देखें, उपकोश का मतलब हो गया एल, तो किसी एल के लिए यानी उपकोश के लिए जो एम के मानों की संख्या होती है वो एल के दुगने से एक ज़्यादा होती है, यानी 2L+1 होती है। तो इसको भी हम एक उदाहरण से वेरीफाई करते हैं कि किस प्रकार इसको हमने अप्लाई करना है, किस प्रकार इन रूलों को लगाना है। जैसे आपको एल की वैल्यू दे देंगे कि एल बराबर 2 है, सपोज एल बराबर है 2, तो इसके लिए आपको M के मान लिखने हैं। तो अब फॉर्मूला क्या होता है कि किसी L के लिए जो M के मान होते हैं वो माइनस L से प्लस L तक होते हैं। तो L कितना दिया है, 2, तो यहाँ 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 से +2 तक, -2 से +2, यानी बीच की सारी चीज़ों को ले लेना है हमने। तो -2, -1, 0, +1 और +2, तो ये सब हमको जो M के मानों की संख्या मिल जाएगी। तो अगर इन मानों को गिनेंगे तो कितने मान मिले, 1, 2, 3, 4, 5। अब L कितना दिया था, 2, तो दुगने से एक ज़्यादा मिल गया, 2, 2, 4 और 1, 5। तो ये दोनों रूल वेरीफाई हो गए कि L के लिए M बनाना है आपने तो माइनस L से प्लस L तक, और किसी L के लिए मानों की संख्या बतानी है आपने, M के मानों की संख्या, तो क्या कर देंगे, हम दुगने से एक ज़्यादा रख देंगे। अब इसको फिर पुनः पुरानी वाली चीज़ों में लगा देते हैं, GH वाले छोड़ देते हैं, SPDF ही हम अपना ध्यान रखते हैं। तो अब SPDF इसके लिए L के मान कितने होते हैं, 0, 1, 2 और 3। इतनी चीज़ें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ जो नई चीज़ है वो कक्षक है। तो अब कक्षक SPDF जो उपकोश होते हैं वो कितने कक्षक से बने होते हैं, 1, 3, 5, 7। तो ये रूल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 2L+1 से। तो यहाँ S के लिए L का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 रख देंगे तो 2 × 0, 0, 0+1, 1। ऐसे इसका दुगने से एक ज़्यादा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे इसका दुगना कर दें और एक जोड़ दें तो ये मिल जाएगा, ऐसे इसका दुगना कर देते हैं, 3 × 6, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि SPDF के लिए L के मान 0, 1, 2, 3 होते हैं, और SPDF में जो कक्षकों की संख्या होती है वो 1, 3, 5, 7 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि S उपकोश 1S कक्षक से बनता है, P उपकोश 3P कक्षक से बनता है, 1D उपकोश 5D कक्षकों से बनता है, और 1F उपकोश 7F कक्षकों से बनता है। तो ये जो रूल बना ये कहाँ से बनता है, ये
एल के लिए एम के मानों की संख्या से, तो ये तीसरी क्वांटम संख्या होगी। तो यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन के कोश की जानकारी मिल गई, उपकोश की जानकारी मिल गई, कक्षक की जानकारी मिल गई। अब आते हैं इसकी लास्ट क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपण या स्पिन क्वांटम संख्या भी कहलाती है। तो स्पिन क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को बताती है। तो किसी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज या ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के लिए एम की वैल्यू प्लस, तो प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर घूमने की दिशा से है। प्लस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा यानी चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। अब इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरी क्वांटम संख्याओं के रूल क्लियर हो जाएंगे। कि आपको दे देंगे कि एन बराबर तीन, यहाँ सपोज एन दे दिया हमको तीन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाकी क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं कि एन बराबर तीन के लिए शेष क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ हमने लिख दिया एन, एक तरफ एल, एक तरफ एम। और अब यहाँ से शुरू करते हैं, एन कितना दिया है हमको तीन, क्वेश्चन में एन दिया है हमको तीन, और इसके लिए बाकी क्वांटम संख्या बतानी है। तो पहले हम निकालते हैं एल। तो रूल क्या होता है, किसी एन के लिए जो एल के मानों की संख्या होती है वो होती है जीरो से एन माइनस वन। तो एन कितना दिया, तीन, तो तीन में से एक गया दो, तो एन बराबर तीन के लिए एल क्या क्या मिलेंगे, जीरो, एक और दो, एक जीरो मिल जाएगा, एक वन मिल जाएगा और एक टू मिल जाएगा। तो एन बराबर तीन के लिए जो एल के मान मिले हमको तीन मिले, एक तो जीरो मिल गया, एक वन मिल गया और एक टू मिल गया। तो हमारा पहला रूल हो गया। अब आते हैं किसी एल के लिए एम के मानों की संख्या। तो किसी एम एल के लिए एम के मानों की संख्या माइनस एल से प्लस एल तक होती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले जीरो। अब जीरो तो प्लस माइनस होता नहीं है, जीरो का मतलब जीरो ही हुआ। तो एल बराबर जीरो के लिए एम के केवल एक ही मान मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और वन के लिए लगाते हैं, तो किसी एल के लिए एम के मान होते हैं माइनस एल से प्लस एल, तो हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन तक। तो यहाँ हमको तीन मान मिल जाएंगे, एक माइनस वन, एक जीरो और एक प्लस वन। तो यहाँ पर हमको टोटल तीन वैल्यूज़ मिल गई इसकी, एक तो माइनस वन मिल गया, एक जीरो मिल गया और एक प्लस वन मिल गया। अब आते हैं एल बराबर टू के लिए एम के मान। तो इसमें भी यही रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू से प्लस टू तक। तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू। तो यहाँ टोटल कितने मान मिल जाएंगे, दुगने से एक ज़्यादा, यानी दो दिनी चार एक पाँच, एक मान ये मिल जाएगा, एक ये मिल गया, एक जीरो मिल गया, एक प्लस वन मिल गया और एक प्लस टू मिल गया। अब लास्ट हमारा कॉलम बचा है एस के मान। तो किसी एम के लिए एस के दो ही मान होते हैं, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। तो चाहे एम की वैल्यू कुछ भी हो, एस के केवल दो मान मिलते हैं हमको, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो यहाँ दो मान मिल जाएंगे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ मिल जाएगा। तो जिस प्रकार इसके लिए दो मान मिले, ऐसे ही इसके लिए भी दो मान मिल जाएंगे। एम बराबर माइनस वन के लिए भी एस के दो मान मिल जाएंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। आप चाहो तो इनको साथ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस हाफ करके, प्लस हाफ माइनस हाफ को एक साथ लिख दिया हमने, तो क्या बन गया, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ऐसे इसके लिए भी क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ। तो यही सब आपको रिपीट करते रहना है, तो सबके लिए क्या आ जाएगा, हमारा प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये चारों क्वांटम संख्याएं होगी। थोड़ा रूलों का आपने ध्यान रखना है कि किसी एन के लिए एल के मान जीरो से एन माइनस वन, और किसी एल के लिए एम के मान कितने होते हैं, माइनस एल से प्लस एल तक। एस के रूल तो ईजी होते हैं कि एम का मान कुछ भी हो, एस के केवल दो ही मान हो सकते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो इन रूलों की सहायता से आप किसी भी एक दी हुई क्वांटम संख्याओं से अन्य क्वांटम संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा इसी में अगर हम मानों को भी चेक कर लें, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि किसी एन के लिए एल के मानों की संख्या कितनी होती है एन के बराबर। जैसे यहाँ एन तीन दिया है, तो एल के कितने मान मिले हमको, एक, दो, तीन। तो किसी एन के लिए एल के मानों की संख्या जो होती है वो एन के ही बराबर होती है, और किसी एन के लिए एम के मानों की संख्या एन स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ एन कितना दिया था, तीन, तीन का स्क्वायर नौ। तो किसी एन के लिए एम के कितने मान मिलते हैं, नौ। अब इसको काउंट कर लेते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो ये एन स्क्वायर रूल का पालन कर रहा है। और किसी एन के लिए जो एस के मानों की संख्या होती है, तो वो कितनी होती है, टू एन स्क्वायर, दुगनी हो जाती है इसकी।
तो उसको तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि m के हर एक मान से s के दो दो मान मिल रहे हैं। तो यहाँ भी दो मान मिलेंगे, यहाँ भी दो, तो अगर यहाँ नौ मान मिल रहे हैं, यहाँ पर टोटल नौ मान मिले, तो यहाँ कितने मिल जाएंगे हमको टोटल? 18 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इन सब को आप गिनेंगे तो टोटल ये 18 मान है, जबकि यहाँ कितने मिल रहे थे? 9, और यहाँ कितने मिल रहे हैं? एन के बराबर यानी 3 मान मिल रहे हैं। तो किसी एन के लिए एल के मान एन के बराबर होते हैं, एम के मान एन स्क्वायर, और किसी एन के लिए एस के मान क्या होते हैं? 2n स्क्वायर। तो उम्मीद है कि क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड आपकी सारी जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।